दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हम सैमसंग के किसी भी फोन में कैसे वॉलपेपर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम न गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले सैमसंग थीम्स में जाना है और इसमें वॉलपेपर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आपको जो अच्छा लगे वो वॉलपेपर पहले सिलेक्ट करना है। मुझे ये पहला वाला अच्छा लगा इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। तो हमें करना क्या है, हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं ले लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं गैलरी में जाता हूँ। ये आ गया, ये तो मैंने पहले किया था, ये मैंने पहले से क्रॉप करके रखा हुआ है। अगर आपको ये सेट करना है तो आपको क्रॉप करना है इसको। अब इसे सेट एज वॉलपेपर को सिलेक्ट करता हूँ और मुझे होम स्क्रीन पर नहीं रखना है, इसे लॉक स्क्रीन पर रखना। अब मैं इसे सेट कर देता हूँ। ये लिखा आ गया कि वॉलपेपर अप्लाई टू लॉक स्क्रीन, इसलिए वॉलपेपर आपकी लॉक स्क्रीन पर अप्लाई हो चुका है। तो देख लेते हैं कि हो गया है कि नहीं। और आप नहीं देख सकते क्योंकि मैंने इस पे स्क्रीन रिकॉर्डर डाला हुआ है और मैं इसे लॉक करूँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो आपको मैं ये होम स्क्रीन पर ही दिखा देता हूँ। ओ यहाँ पे नहीं जाना था, सॉरी, मैं गैलरी में जाना था। थ्री डॉट्स पे जाना है, देखो आगे सेम टू सेम यही। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।